हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नई यूनिक ब्रेकफास्ट सिखाऊंगी। दोस्तों, घर में कई बार बची हुई दालें बच जाती है तो हम उसे वेस्ट कर देते हैं, तो मैं आज सिखाऊंगी कि उस बची हुई दालों का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से हम एक यूनिक ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पास में बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दाल भाकरी सिखाऊंगी। एक्चुअली जब कभी रात को दाल बच जाती है तो हमें क्या बनाना चाहिए, तो हम कुछ स्पेशल बनाएंगे ताकि लोग भी खा सकते हैं, आपके बच्चे भी खा सकते हैं। तो चलिए हम आज दाल भाकरी बनाते हैं। हमें सामग्री चाहिए, एक कटोरी दाल चाहिए और रात की कोई सी भी दाल हो, अरहर की दाल हो, चने की दाल हो, कोई सी भी दाल हो वो है। मैंने गेहूं का आटा लगा रखा है और एक कटोरी मैंने यहाँ पर एक चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़े से मैंने आलू काट रखे हैं, थोड़ी सेव वाली नमकीन डाल रखी है, जीरो नमकीन, थोड़ी सी मैंने कटी हरी मिर्च काट रखी है, दो मैंने प्याज काट रखी है, एक टमाटर काट रखा है और थोड़ा सा गरम मसाला है और थोड़ा सा नमक है। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम वो तेल डालेंगे, करीब आधा चम्मच, उसके बाद गरम होने देंगे। उसके बाद हम दाल डालेंगे, थोड़ा हम दाल में थोड़ा पानी थोड़ा सा सोख लेंगे ताकि हम इसमें आटे में भर सके। दाल में कल रात को नमक डाल रखा था, मिर्ची है तो आप करना चाहो तो ऐड कर सकते हो मिर्ची। थोड़ा इसको गैस थोड़ी तेज कर लीजिए ताकि पानी ऑब्जर्व हो जाए। थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालेंगे, करीब आधा चम्मच, थोड़ा सा हम सूखा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे। मैं रात में दाल बनाई थी तो इसमें हींग थी, अगर आप डालना चाहो तो इसमें हींग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सी सौंफ ऐड कर सकते हैं, थोड़ी गार्लिक ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल दाल बनाई थी। अब पानी बिल्कुल सूख गया है और हम साथ के साथ गैस में थोड़ा पानी एक बॉइल करने के रख देते हैं ताकि ये उबलता रहे। ये बिल्कुल ऑब्जर्व हो गया है, अब इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए बंद कर देते हैं गैस को। अब हम रोटी से भाकरी बनाएंगे इसकी। थोड़ा आटा लेंगे, भाकरी बनाएंगे, हल्की सी फिल करेंगे और को इस तरह से प्रेस करके भाकरी बनाएंगे। इस तरह से थोड़ी स्टफिंग डाल के इसको कचौरी शेप में बना लो, इस तरह से बना करके और इसको प्रेस कर दो। अब पानी बॉईल हो चुका है, हम इसके अंदर ये जो भाकरी बनाई है वो बॉईल करने के रख दें। हमारी भाकरी उबल चुकी है, अब हम इसे गैस बंद करेंगे। हमने इसमें एक चम्मच तेल डाल दिया है, थोड़ी सी राई डालेंगे और थोड़ा तेज पत्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, आप ऐसे भी खा सकते हो, इसको ऐसे सर्व करके ऐसे भी खा सकते हो, नहीं तो आप इसके अंदर दाल डाल के आप ऐसे भी सर्व करके खा सकते हो। नहीं तो मैं आपको दूसरे से खाती हूँ, दूसरे से कैसे खाते हैं। दोस्तों, आप ऐसे भी खा सकते हो सिंपली,
अगर आप इसको सर्व करके खाना चाहते हो तो हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेशन कर देंगे, थोड़ा सा आलू डेकोरेशन कर देंगे इसके अंदर डाल के, थोड़ी सी प्याज डाल दीजिए ऊपर से, थोड़े टमाटर डाल दीजिए, कोई वेजिटेबल है थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दीजिए, थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, और थोड़ी सी जीरा नमकीन डाल दीजिए। अगर चटनी डालना चाहे तो हरी चटनी बना लीजिए, थोड़ा सा दही डाल दीजिए, और आप सॉस के साथ खाना चाहे तो थोड़ा सा सॉस डाल करके आप लोगों को खिलाइए, खुद भी खाइए। तो दोस्तों तैयार हो गई हमारी दाल भाकरी, आप इसे सर्व कीजिए। थैंक यू सो मच।